मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कि चूंकि वहां ठंड बहुत है तो सब्जी नहीं बन सकती, सब्जी पकेगी कैसे? बॉइलिंग पॉइंट चाहिए ना, उबाल का तो बिंदु चाहिए। दाल को पकाना हो तो दाल नहीं पकेगी, सब्जी बनानी हो तो सब्जी नहीं पकेगी। तो वहां क्या होता है, सभी सब्जियां डिब्बे में बंद होके आती है और डिब्बे बंद सब्जियों को प्लेट में निकाल के वो खाते। अब डिब्बा बंद सब्जी की विशेषता यह है कि उसमें नमक मिला के नहीं डाल सकते डिब्बे में, नहीं तो खराब हो जाती, तो नमक ऊपर से मिलाना पड़ता। तो यूरोप के सभी देशों में पिसा हुआ नमक खाने की ही परंपरा है, क्योंकि नमक को सब्जी प्लेट में रखने के बाद ही मिलाना पड़ता है। भारत में अब यही नकल हमने करना शुरू कर दिया, पिसा हुआ नमक हम सबके घर में आ गया, जो आज से 50 साल पहले किसी घर में नहीं होता। हमारे यहां क्या है, कोई भी सब्जी हो, कोई भी दाल हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट सामान्य रूप से उपलब्ध है, क्योंकि सूर्य उपलब्ध है। तो हम जब नमक डालेंगे तो सब्जी बनाते हुए डालेंगे या दाल बनाते हुए डालेंगे, और दाल और सब्जी में नमक वही अच्छा होता है जो डेले वाला होता है, क्रिस्टल वाला होता है, वो डाल के अगर आप सब्जी बनाएंगे तो तासीर है दूसरी, और ये जो पिसा हुआ नमक डालेंगे तो बिल्कुल तासीर बदल जाएगी। और ये छोटी छोटी बातें जैसे ही बदलना शुरू करती हैं तो फिर बीमारियां आपके शरीर में घर करना शुरू करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जो पिसा हुआ नमक खाना आप शुरू कर दीजिए, अपने ही घर में एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। दो बच्चे अगर आपके पास हैं, एक को रोज पिसा हुआ नमक खिलाइए और एक बच्चे को वो डेले वाला नमक सब्जी में डालते हुए उबालते हुए खिलाइए। जो बच्चा डेले वाला नमक खाएगा वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, जिसको पिसा हुआ नमक दे रहे हैं वो हर समय बीमार रहेगा। कारण क्या है, आप पूछेंगे जी कारण क्या है, सब्जी को उबालते समय, दाल को उबालते समय जो नमक आपने डाला है तो नमक भी उबल रहा है सब्जी के साथ, दाल के साथ, तो उसकी जो इंप्योरिटीज है, जो उसमें से शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है, वो गर्म पानी के साथ कम होती जा रही है। और यहां पिसा हुआ नमक डाल दिया है तो सारी अशुद्धता के साथ गया है और आपको कुछ ना कुछ तकलीफ देने ही वाला है। और ये तकलीफ जानते हैं क्या आती है, आजकल ज्यादातर माताओं बहनों से मैं एक ही शिकायत सुनता हूँ, ओ राजीव भाई हमको थायराइड की समस्या हो गई। ये थायराइड उन सभी को होने वाला है जो पिसा हुआ नमक खाएंगे। और थायराइड के दोनों ही हिस्से हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, दोनों में हम फंसे हैं और हमारी करोड़ों माताओं बहनें फंसी हैं। उसका एक छोटा सा कारण है पिसा हुआ नमक। जितने दिन आप ये खाते रहेंगे थायराइड से कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते, कितनी भी गोलियां खाएं, कितने भी इंजेक्शन लगाएं। लेकिन जैसे ही नमक बदल देंगे, बिना दवा के थायराइड ठीक हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए थायराइड के, ज्यादातर माताएं आती हैं क्योंकि उनको थायराइड की समस्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है सेंसिटिविटी के कारण, तो वो आती है शिकायत लेके, क्या बताएं इतना थायराइड बढ़ा हुआ है, फिर मैं ये गोली खाती हूं तो शरीर और बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। और एक महिला तो एक बार मेरे पास आई थी जिनका वजन तो मुश्किल से 60 किलो था, लेकिन शरीर देखो तो लगे 100 किलो का, जैसे फुटबॉल में हवा भर दी हो। तब मैंने उनको समझाया कि आपकी समस्या क्या है, उनके समझ में आ गया। मैंने कहा बस कल से आप ऐसा करो, नमक बदल दो, पिसा हुआ नमक खत्म कर दो, डेले वाला लाओ। वो बहन जी ने शुरू किया है, अभी 8 महीने हो गए हैं, वो बराबर हो गई, 58 किलो वजन है, वैसा ही शरीर है। और वो कहती है अब मुझे थायराइड की समस्या नहीं। अब वो कहती है राजीव भाई मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, 8 साल से मैं दवा खा रही हूं, इतने इंजेक्शन ले लिए, कहां कहां मैं गई डॉक्टरों के चक्कर में, लेकिन किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि आप ये नमक पिसा हुआ मत खाओ। मैंने कहा उन्होंने नहीं बताया, उसके पीछे कारण दूसरा है। कारण यह है कि अगर आप ठीक हो जाएंगी तो डॉक्टर का धंधा कैसे चले, तो वो तो नहीं चाहेगा कि आप ठीक हो, वो नहीं बताएगा, जानता वो भी है, जो मैं बता रहा हूं वो डॉक्टर भी जानता, बताएगा नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे से हमारे अपने जीवन में बिना सोचे समझे किए गए नकल के काम हमको इतनी बड़ी समस्याओं में फंसा देते।